हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर का, जो कि 23 फरवरी 2014 को हुआ था। और फ्रेंड्स, ये जो पेपर है वो जूनियर लेवल का पेपर है, यानी कि पेपर टू है। और इस पेपर टू में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP सेक्शन से जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी 30 क्वेश्चंस के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है और सभी क्वेश्चनों को आपको भी स्वयं से अटेम्प्ट करना है और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है फ्रेंड्स, तो सभी ऑप्शंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है। जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, वंशानुक्रम माता पिता के से संतान में गुणों का संचरण है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी बिल्कुल सही है। और सी ऑप्शन में दिया है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जनजात विशेषताओं का शोधन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वंशानुक्रम होता है वो व्यक्ति की जनजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है, न कि शोधन होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ऑप्शन है वो सही नहीं है। लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है, बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ओनली ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहचार्य के नियम है, यानी कि सहचार्य के कौन कौन से नियम होते हैं। तो फ्रेंड्स, सहचार्य के नियम होते हैं जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, समानता का नियम बिल्कुल होता है, वैषम्य का नियम बिल्कुल होता है, और समीपता का नियम ये भी होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है, यानी कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है, ये हमें बताना है। क्या है, अभिप्रेरणा है, समायोजन है, सीखना है, या फिर चिंतन है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अनुभव यानी कि जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके द्वारा बिहेवियर में जो चेंज आता है उसे हम कहते हैं अधिगम या फिर सीखना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अपने आप को प्रेम की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, यानी कि अपने आप को प्रेम करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं फ्रायड, इन्होंने कहा था कि अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया था, और उस शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने, तो उस शब्द को हम कहते हैं नर्सिज्म, नर्सिज्म की प्रवृत्ति। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, डैश का कार्य इस जनजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है, यानी कि जो खाली स्थान दिया है उसमें मोस्ट सुटेबल आंसर यानी कि मोस्ट सुटेबल जो हमारा वर्ड है उसको हमें प्रयोग करना है, तो कौन सा इसके लिए मोस्ट सुटेबल होगा। तो फ्रेंड्स, फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वातावरण। तो अभी इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, वातावरण का कार्य इस जनजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे आवर्ती वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, सिक्स नंबर का जो क्वेश्चन है राइट आंसर है आपका, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, यानी कि केंद्रवर्ती जो प्रमाप है उसका मान कहते हैं। तो पूरे आवर्ती वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रवर्ती प्रमाप का प्रमाप यानी कि प्रमाण लिखा जाएगा, प्रमाण का मान होता है।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? यानी कि जो हमारे अभिप्रेरित बच्चे हैं, मोटिवेटेड बच्चे हैं, उनके लिए सही नहीं है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन के राइट आंसर की ओर बढ़ना चाहेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि आप ऑप्शन नंबर बी को देख रहे हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन दिया गया है फ्रेंड्स रूशो के द्वारा। यानी कि रूशो ने कहा था कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका एक शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने टॉपिक वाइज वीडियो, हर एक पेपर का टॉपिक वाइज वीडियो अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस अपलोड किया है, और आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ एक घंटी का निशान भी आएगा उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, सो दैट कोई भी वीडियो आप किसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, तो किस चीज़ का शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान होता है, यानी कि किसका स्थान होता है बाल मनोविज्ञान के अनुसार? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, बालक का। तो बालक का बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? आगमनात्मक, निगमनात्मक या फिर दोनों में? तो फ्रेंड्स 10th का जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो नियम से उदाहरण की ओर और नवीन समस्याओं को हल करने के लिए यह सबसे उपयुक्त विधि है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो ये आप जैसा कि आप ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे फ्रेंड्स, बी में दिया है सामूहिकता की भावना। तो सामूहिकता की भावना होती है बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं में से, और फ्रेंड्स बहुत अन्य विशेषता भी हो सकती है जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भी आपको याद रखना है। रुचियों में परिवर्तन, रचनात्मक कार्यों में आनंद, शारीरिक विकास में स्थिरता, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, आत्मनिर्भरता की भावना और सामूहिक भावना की प्रबलता, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस तरह से इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो किस प्रकार से किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता प्रकट होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे जैसा कि प्रतिकूल पारिवारिक संबंध बिल्कुल सही है, व्यवसाय की समस्या करेक्ट है, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, तो इस तरह से ये तीनों के जो ऊपर के ऑप्शन हैं तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू वाले बच्चे को किस श्रेणी क्रम में रखेंगे? तो किस श्रेणी क्रम में रखेंगे? यदि किसी बच्चे की जो आईक्यू है यानी कि बुद्धि लब्धि है वो 140 से अधिक है, तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो प्रतिभाशाली श्रेणी में रखा जाता है, और टर्मन के अनुसार, यानी कि टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि की जो श्रेणी प्रस्तुत की है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, और इसी के साथ मैं आपको टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि की सारणी दिखाना चाहूँगा। और फ्रेंड्स ये सारणी आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस स्क्रीनशॉट से आप हमेशा इसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन अवश्य ही सीटेट के अंदर
यूपी टेट के अंदर या किसी भी राज्य के टेट का यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो उन सभी में एक क्वेश्चन बुद्धिलब्धि से यानी कि आईक्यू से अवश्य ही आता है। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी को बाय हार्ट याद कर लेंगे और अपनी एक नंबर को सुनिश्चित कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि इसमें दिया है 130 से अधिक जो बुद्धि लब्धि होती है वो प्रतिभाशाली बालकों की होती है, 121 से 130 प्रखर बुद्धि वाले, 111 से 120 तीव्र बुद्धि वाले और 91 से 110 जो होती है वो सामान्य बुद्धि के बच्चों में होती है, 81 से 90 मंद बुद्धि और 71 से 80 अल्प बुद्धि और 71 से जो कम होता है उसे जड़ बुद्धि कहते हैं। तो ये हमें चार्ट याद रखना है, ये श्रेणी हमें याद रखनी है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्रेंड्स ये कथन दिया गया था आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में, क्रो एंड क्रो के द्वारा। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो फ्रेंड्स प्रयास और भूल सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है फ्रेंड्स थॉर्नडाइक जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो फ्रेंड्स जैसा कि आप ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं, उसे दंडित करना चाहिए, यानी कि उसे दंडित करना चाहिए जो इसमें लिखा है, तो वो नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, यानी कि सीखने के पठार का जो मतलब होता है वो होता है सीखने में अवनति, और अवनति का मतलब होता है जब अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता रुचि नहीं लेता है या थक जाता है तो अधिगम में पठार आ जाता है। और अधिगम के पठार के निराकरण के लिए अधिगम को प्रेरित प्रोत्साहित करना, अधिगम की अच्छी विधि का प्रयोग करना और अधिगम में पठार के कारणों का अध्ययन करना चाहिए, किंतु कभी भी सीखने वाले को दंडित नहीं करना चाहिए। तो ये दंडित नहीं करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रम से मंद हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर 17 में जो दिया गया है, इसमें जिस वक्र में प्रारंभ में यानी कि सीखने की गति तीव्र होती है, यानी कि इस तरह से यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो सीखने की गति तीव्र होती है, तो प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रम से मंद हो जाती है, यानी कि बाद में क्रम से मंद होती है, तो उसे उत्तरोत्तर वक्र या फिर कॉनवेक्स कर्व बोलते हैं। तो राइट आंसर है इसका आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, उन्नोत्तर वक्र या फिर कॉन्वेक्स कर्व जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है, यानी कि वैयक्तिक भिन्नता क्या होती है? तो वैयक्तिक भिन्नता होती है फ्रेंड्स कि कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, इसी को हम बोलते हैं वैयक्तिक भिन्नता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होता है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मेन पर्पज? तो फ्रेंड्स 19 के राइट आंसर की ओर बढ़ना चाहूँगा। फ्रेंड्स 19 का जो राइट आंसर है आप देखेंगे, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं, यानी कि हमारे ऊपर के जो दोनों स्टेटमेंट है, यानी कि दोनों जो कथन है वो सही है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं, यानी कि 40, 38, 36, 50, 51, 54 और 23, तो उपरोक्त की माध्यिका बताइए। तो माध्यिका निकालने के लिए फ्रेंड्स नॉर्मली हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो आंकड़े दिए होते हैं उसको हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाते हैं, तो यहाँ पर हम आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो फ्रेंड्स
जैसा कि आप आरोही क्रम में सजा लिया, यानी कि सबसे पहले छोटा आता है, उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। तो सबसे पहले आया 23, फिर 36, फिर इसके बाद 38, 38 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद आएगा 51 और 54। तो इन सभी को अभी हमें क्या करना है, हमने यानी कि आरोही क्रम में लगा लिया है। अभी फ्रेंड्स माध्यिका निकालने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, यानी कि यदि हमारी जो संख्या है, संख्या हमें दी गई है, जैसा कि आप 23 देखेंगे, 36, 38, 40, 50, 51 और 54, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इस तरह से हमारी संख्या क्या है, ओड है, यानी कि n की वैल्यू ओड है। तो माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस 1 अपॉन 2 व पद। यदि हमारा जो संख्या है, पदों की संख्या, वो क्या है, ओड है, तो उस समय हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और जहां n है आंकड़ों की संख्या। तो फ्रेंड्स इसको मैंने सोल्व किया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको लगा लिया आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लगाने के बाद जो हमारा फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 वा पद, जहां n आंकड़ों की संख्या है, तो यहां n की वैल्यू 7 रखेंगे क्योंकि 7 आंकड़े हैं, प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे तो 2 4 जा 8, यानी कि 4 वा पद। तो 4 वे पद का मान देखना है, तो यहां पर हम देखेंगे फ्रेंड्स 4 वा पद कौन सा है, तो 1, 2, 3 एंड 4, 4 वा पद है हमारा 40। तो 40 इसका क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रुचि का संबंध है, तो रुचि का संबंध किससे होता है, योग्यता से, अवधान से, या फिर इन दोनों से। तो रुचि का संबंध होता है फ्रेंड्स आपका अवधान से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स मनोवैज्ञानिक जो हमारे हुए हैं क्रो एंड क्रो, उन्होंने कहा है कि रुचि वह आंतरिक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है, और इस प्रकार की रुचि का अवधान से सीधे तथा घनिष्ठ संबंध होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हुआ फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी, अवधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं, क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका 22 का राइट आंसर है, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को, सीखने का स्थानांतरण, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा प्रथम सोपान है, उत्तेजना, आवर्ती या सामान्वयकरण। तो 23 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तेजना, उत्तेजना होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मृति सीखी हुई वस्तुओं का सीधा उपयोग है, उपरोक्त कथन किसका है। तो 24 के करेक्ट आंसर की ओर बढ़ना चाहूँगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वुडवर्थ का। तो वुडवर्थ ने कहा था कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है, उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता या ए व बी दोनों। तो फ्रेंड्स यहां पर सी और डी जो ऑप्शंस हमारे दोनों सेम ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है वो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए है, उद्दीपन की स्थिति। तो यहाँ पर सी भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपन की स्थिति, यानी कि उद्दीपन की स्थिति ध्यान आकर्षित करने की वह दशा है, जबकि बाह्य दशा है, जबकि आवश्यकता ध्यान आकर्षित करने की आंतरिक दशा है। तो उद्दीपन क्या है, बाह्य दशा। तो यहाँ पर बताया गया है कि आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है, तो नहीं है, तो इसलिए उद्दीपन की स्थिति इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है, किससे होती है संवेग की उत्पत्ति। तो फ्रेंड्स 26 के राइट आंसर की ओर बढ़ना चाहूँगा। तो संवेग की जो उत्पत्ति होती है वो होती है फ्रेंड्स मूल प्रवृत्तियों से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिप्रेरण के लिए अक्षर डैश शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, यानी कि कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो 27 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आवश्यकता का, आवश्यकता। तो मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा की जो उत्पत्ति आवश्यकता के अनुसार होती है,
और आवश्यकता होती है तो उसी प्रकार से व्यक्ति अभिप्रेरित भी होता है। आवश्यकता एवं अभिप्रेरण एक दूसरे के पूरक होते हैं और अभिप्रेरणा को आवश्यकता भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स 28 के करेक्ट राइट आंसर की ओर बढ़ना चाहूँगा। जैसा कि आप ऑप्शन नंबर लास्ट को देख रहे हैं, तो एक शिक्षक को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। कौन कौन सी? कि शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, सही है। विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतर्ग्रहण का अवसर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। इस तरह से हमारे ऊपर के सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है और चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? तो 29 का जो राइट एंड द करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रोस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और फ्रेंड्स, रोस के अनुसार चिंतन मानसिक विकास का ज्ञानात्मक पहलू है और यह मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अभी नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, कल्पना के विकास के लिए क्या चाहिए? यानी कि जो कल्पना के विकास करने के लिए क्या चाहिए, यानी कि ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी क्रिया करनी चाहिए? तो फ्रेंड्स 30 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कल्पनाओं के विकास के लिए हम ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करें, कहानी सुनाएं, रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास पर ध्यान दें और समाजीकरण की ओर ध्यान दें। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने 30 क्वेश्चंस जो कि आपके यूपी टेट, जो कि आपका 23 फरवरी 2014 को हुआ था और जूनियर लेवल का पेपर है, और इससे जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने इन सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया होगा और अपना जो स्कोर है, यानी कि आपने 30 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर पाया है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलना है। और फ्रेंड्स चैनल की प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि चैनल की प्लेलिस्ट पर हमने सीटेट के कंप्लीट कोर्स को डाला है, यूपी टेट के कोर्स को डाला है और सुपर टेट के कोर्स को भी वहां पर अपलोड किया है। तो फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।